بسم الله الرحمن الرحيم. कहते जी कि अगर बीवी को हमल ठहर जाए तो कितने महीने तक मियां बीवी आपस में मिल सकते हैं? आखिरी दिन तक भी मिल सकते हैं जिस दिन विलादत होनी हो। अलबत्ता किसी ने भी डॉक्टर ने मना किया है उसके अंदर कोई नक्स है फिर एहतियात करो, वरना शरीयत में तो कोई मना नहीं। मेरे दोस्त हैं अबरार अहमद, बहरहाल जिनकी भी औलाद नहीं है अल्लाह सबको साले औलाद ता फरमाए। जैद ने फातिमा का दूध पिया तो जैद की फातिमा की किसी बेटी से शादी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, वो सारे उसके भाई बहन बन गए। जिसका उसने दूध पिया वो माँ बन गई, उसकी जितनी औलाद है उसके भाई बहन बन गए, शादी कैसे हो सकती? अगर बीवी हमल की सूरत में है तो मियाँ बीवी मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, शरीयत में मना नहीं है। बाकी है कि मेडिकल तौर पर उसको कोई हिदायत हो तो वो अलग बात है, वरना शरीयत में कोई मना नहीं है। कहते जी कि कितने महीने का हमल हो तो मर्द अपनी बीवी के साथ नहीं मिल सकता, वो तो 9 महीने तक भी मिल सकता है, शरीयत में तो कोई मना नहीं। अगर डॉक्टर ने कहा है खतरा है तो फिर ना मिलो। मेरी बहन की शादी को 10 साल हो गए, औलाद नहीं है। मेरे बहनोई के जरासीम का मसला है, नतीजा निकल आया ना कि उसमें जरासीम नहीं है, वो इलाज कराए। आजकल तो मेडिकल बहुत एडवांस है, फौरन इलाज हो जाता है। पहले दौर में मसला था कि जरासीम नहीं पैदा हो सकते, अब तो अल्लाह की रहमत से मेडिकल में ऐसी दवाएं आ गई हैं कि 3 महीने के कोर्स करने से पूरे जरासीम जो है वो उसका आदत पूरा हो जाता है। और अल्लाह की शान देखें, अल्लाह के कमाल कुदरत पर ईमान लाएं कि अब देखें कि इंसान मर्द हो या औरत बननी कितनी होती है, चंद कतरे, उसमें करोड़ों जरासीम होते हैं, एक दो नहीं मिलियंस। अच्छा, वो अगर आपने दूरबीन लगाई हुई हो ना तो नजर भी आते हैं कि भाग रहे हैं। मेरा लेबॉरेटरी में एक दोस्त होते थे, पता नहीं अल्लाह आलम अब हैं या नहीं है, तो एक दिन उसने मुझे दिखाया कि आए जी आपको मैं आप कुदरत का नमूना दिखाऊं, तो वो दूरबीन मुझे दे दी, मैंने देखो फिर वो भाग रहे हैं। और उन्होंने कहा फिर हम इसकी काउंटिंग करते हैं कि कितना इनका तादाद कितना है, और तादाद पूरी ना हो 40% से कम हो तो फिर बच्चा पैदा नहीं होता। अल्लाह की शान है, अल्लाह का निज़ाम है।